Good morning to all my dear students of class LKG. Today I am here to teach you the subject GK. So let's begin now. The name of chapter is My School. My School, Mera School. Look at the picture and talk about your classroom. ये picture हम देखेंगे और हम आपके क्लास के बारे में जानेंगे, क्लासरूम के बारे में जानेंगे. क्या जानेंगे? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. चिल्ड्रंस, आज आप पढ़ेंगे कि आपके क्लासरूम में कौन कौन सी चीज़ें हैं. तो इस बार अभी आप तो स्कूल आए नहीं, फिर भी आप जब स्कूल आते थे तो आपने अपने क्लासरूम में कई चीज़ें देखी होंगी. कौन कौन सी चीज़ें दिखती थीं आपको अपने क्लासरूम में? आइए हम पता करते हैं कौन कौन सी चीज़ें आपको दिखती थीं. आज हम स्कूल तो नहीं आए हैं पर क्लासरूम में जाएंगे. किसके द्वारा? बुक के थ्रू. बुक के थ्रू हम अपने क्लासरूम में जाएंगे और देखेंगे कि मेरी क्लास में, क्लासरूम में कौन कौन सी चीज़ें हैं. आइए चलते हैं क्लासरूम में. ये फिगर आपको दिख रहा है. ये फिगर क्या है? आपका क्लासरूम है. यहाँ हमको बहुत सी चीज़ें दिख रही हैं. क्या क्या दिख रही हैं देखते हैं. क्या है यहाँ? देखिए, कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं, टीचर बैठी हैं, ब्लैक बोर्ड है, बुक है, टेबल चेयर है, और क्या है, चॉक बॉक्स है, डस्टर है. तो ये सारी चीज़ें क्लासरूम में होती हैं, तो हम इनके बारे में ही पढ़ेंगे. सबसे पहले हम क्या देखेंगे? आइए अब ये तो हमने क्लासरूम को देख लिया. आइए अब हम नीचे देखते हैं इस क्लासरूम में कौन कौन सी चीज़ें हैं और वो कैसे लिखी हुई हैं. ठीक है, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं जिसमें आपके क्लासरूम की चीज़ें हैं. तो हम उस पर क्या करना है, हमें जो हमारे क्लासरूम की चीज़ें हैं, थिंग्स हैं, उस पर हमें टिक करना है. कैसे टिक करेंगे? देखिए, ये क्या है? बायनोकुलर. ये दूरबीन. ये आपके क्लासरूम में नहीं होता है, इस पर हम टिक नहीं करेंगे. ये चॉक बॉक्स है. चॉक बॉक्स आपके क्लासरूम में होता है, तो हम क्लासरूम में चॉक बॉक्स है इसलिए हम यहाँ पर टिक करेंगे. ये क्या है? ये हैं पेंसिल्स, हैं पेंस हैं. तो हम आपके क्लासरूम में पेंसिल भी होती है, पेंस भी होती है. पेन टीचर्स के पास होती है और पेंसिल आपके पास होती है, तो हम इस पर भी टिक करेंगे. आइए नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ कुछ बुक्स दी गई हैं. बुक्स मीन्स किताबें जो आप पढ़ते हो. तो आप क्लासरूम में आते हो तो अपनी किताबें निकालते हो. कितना क्लासरूम में किताबें भी होती हैं, तो यहाँ हम क्लासरूम में किताबों पर भी टिक करेंगे. ये है टॉर्च. टॉर्च लाइट जलाते हैं. अंधेरे में कहीं जाना होता है तो हम टॉर्च जला कर जाते हैं. तो ये तो आपके क्लासरूम में नहीं होता है, तो हम इस पर टिक नहीं करेंगे. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ये क्या है? ये आपके क्लासरूम में नहीं दिखता है. ये कौन सी चीज़ है? कहानी. आपको पता है? नहीं, ये आपकी क्लासरूम की चीज़ नहीं है, तो इसको हम नहीं टिक करेंगे. ये है आपके क्लासरूम की थिंग्स. क्या है? डस्टर है, जिससे टीचर्स ब्लैक बोर्ड पर लिख करके इरेज करता है. आपको कॉपी पर लिखने के बाद आप इरेजर से इरेज करते हो, बट टीचर्स क्या करते हैं? ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं और डस्टर से इरेज करते हैं. तो डस्टर आपके क्लासरूम में होता है, तो यहाँ डस्टर पर हम टिक करेंगे. ये है टेबल और चेयर. टेबल और चेयर भी आपके क्लासरूम में होता है, तो इस पर भी हम टिक करेंगे. ये क्या है? ब्लैक बोर्ड है. ब्लैक बोर्ड भी आपके क्लासरूम में होता है, तो हम ब्लैक बोर्ड पर भी टिक करेंगे. तो अभी आपने पढ़ा, अपने क्लासरूम को देखा. यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं, टीचर्स बैठी हैं, ब्लैक बोर्ड है,
बुक्स हैं, यहाँ डस्टर है, चॉक है। तो इन सारी चीज़ों को, जो चीज़ें हमको अपनी क्लासरूम में दिखाई दे रही हैं, हमको उन्हीं चीज़ों पर यहाँ टिक करना है। तो आपने किया टिक, अब इसको आप क्लासरूम थिंग्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, चॉक, पेंसिल, बुक, डस्टर, टेबल चेयर, ब्लैक बोर्ड, ये सारी चीज़ें आपकी क्लासरूम में होती हैं। क्लासरूम में ये सभी चीज़ें होती हैं। तो आज हमने जीके में क्या पढ़ा, माय स्कूल, अबाउट योर क्लासरूम, अपने स्कूल की क्लासरूम की चीज़ों को हमने देखा और पढ़ा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू वेरी मच।